मंगसिर बगवाल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। गढ़वाल में होने वाली मंगसिर बगवाल या बूढ़ी दीपावली, जो कार्तिक महीने की दिवाली के ठीक एक महीने बाद मनाई जाती है, इसे देखने और इस रोमांच में शामिल होने गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों से लोग टिहरी गढ़वाल के थाती कठोर में बूढ़ा केदार मंदिर भी जाते हैं। वो रात को भैलो खेलता विशाल जनसमूह और ढोल दमाओं की थाप पर मंडाण, अगले दिन गुरु कैलापीर देवता के निशान के पीछे दौड़ता हुआ जन सैलाब और बूढ़ा केदार में सजे उस मेले की रौनक देखते ही बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये दिवाली क्यों मनाई जाती है? ये परंपरा कब से चली आ रही है? इसे राष्ट्रीय पर्व दीपावली के ठीक एक महीने बाद ही क्यों मनाया जाता है? गुरु कैलापीर देवता कौन है? क्यों भक्तों की भीड़ गुरु कैलापीर देवता के निशान के पीछे दौड़ती है? और आखिर क्या है इस अनोखे त्यौहार के प्रारंभ की वास्तविक कहानी? यह सब जानने के बाद बूढ़ा केदार की मंगसिर बगवाल में जाने की आपकी उत्सुकता और बढ़ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं नवदीप और आप देख रहे हैं 12 मास की कक्षा 13। टिहरी गढ़वाल में उत्तराखंड का पांचवा धाम कहे जाने वाले थाती कठुर का बूढ़ा केदार मंदिर तब चर्चाओं में आ जाता है जब मंगसिर बगवाल या बूढ़ी दिवाली की बात होती है। इसमें तब सबसे ज़्यादा आकर्षण आ जाता है जब गुरु कैलापीर देवता के निशान के पीछे पुंडारा के शेरा में विशाल हुजूम दौड़ता है। ये परंपरा तकरीबन 500 साल पुरानी है। जब 16वीं शताब्दी में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था और गढ़वाल के राजा हार की कगार पर थे, गुरु कैलापीर योद्धाओं के आराध्य देव थे। एक क्षत्रिय गढ़वाल के तत्कालीन राजा मानशाह ने गुरु कैलापीर देवता का आह्वान किया। कहा जाता है कि यह युद्ध एक महीने तक चला जिसमें गढ़वाल के राजा की जीत हुई। यह जीत दिलाने में कैलापीर देवता से संबंधित दो बातें कही जाती है। पहली तो यह कि कैलापीर देवता ने बोक्सैली विद्या द्वारा गोरखाओं को परास्त कर गढ़वाल को जीत दिलाई, और दूसरी यह कि कैलापीर देवता राजा के सपने में आए और कहा कि राज्य के प्रत्येक परिवार के मुखिया को वह लड़ाई में लेकर जाएं, तभी जीत होगी। यहाँ दूसरी बात तर्कसंगत मालूम होती है, क्योंकि मलेथा के माधो सिंह भंडारी और गढ़वाल के अन्य हिस्सों से कई वीरभद्र इस युद्ध में एक महीने तक गोरखाओं से लड़े थे। दीपावली के एक महीने बाद राजा समेत तमाम योद्धा विजयी होकर वापस लौटे। युद्ध के कारण सैनिक व उनके परिजन कोई कार्तिक महीने की दिवाली नहीं मना पाए थे, तो युद्ध जीतने की खुशी में टिहरी गढ़वाल के बूढ़ा केदार जौनपुर थौलदार प्रतापनगर मदन नेगी, उत्तरकाशी के गाजना कठुर नैल्ड कठुर, श्रीनगर के मलेथा और कुमाऊं के कुछ गाँवों में इस दिन मंगसिर में भव्य दीपावली मनाई गई, जो आज भी जारी है। विजय होने की खुशी में राजा ने कैलापीर देवता को 3 कठुर भेंट किए, थाती कठुर, नैल्ड कठुर और गाजना कठुर, जिन्हें 90 जूला कठुर भी कहा जाता है। इसके साथ ही राजा ने कुश कल्याण बुग्याल से होने वाली आय की जागीर भी गुरु कैलापीर देवता को भेंट की। कुश कल्याण बुग्याल में पशु घास चरते थे, जिनका कर उस वक्त तक राजा को मिलता था। उसके बाद 18वीं शताब्दी में गढ़वाल मंडल में फिर से गोरखाओं का अत्याचार बढ़ा। तब राजा सुदर्शन शाह की माता के स्वप्न में गुरु कैलापीर ने गोरखाओं को परास्त करने की युक्ति बताई। कैलापीर के बताए मार्ग के अनुसार रानी ने ब्रिटिश शासन से मदद मांगी व गोरखाओं को गढ़वाल से वापस खदेड़ा। उसके बाद राजा ने टिहरी राजधानी बनाई, जहाँ से टिहरी रियासत की शुरुआत हुई थी। तब से कैलापीर देवता की महिमा तीनों कठड़ों में फैल गई और हर्ष उल्लास से गुरु कैलापीर देवता के निशान के पीछे विजय जुलूस निकाला गया, जिसे विजय दौड़ भी कहा गया, जो आज भी जारी है। हालांकि इसे आस्था की दौड़ भी कहा जाता है और क्षेत्रवासी इसे अच्छी फसल और सुख समृद्धि के लिए भी मानते हैं। मंगसिर बगवाल या बूढ़ी दीपावली को लेकर एक और मान्यता भी है, वह यह कि मंगसिर बगवाल बदराज मेला गुरु कैलापीर देवता के थाती कठुर बूढ़ा केदार आगमन पर मनाया जाता है।
गुरु कैलापीठ देवता मूल रूप से कुमाऊं के चंपावत में 7 लाख सलाण 10 लाख दुमाग के आराध्य देवता थे, जहां सभी योद्धाओं अथवा वीर बड़ों के आराध्य देवों के मंदिर बनवाकर पूजे जाते थे। मुगल शासनकाल में इस पूजा में व्यवधान आने लगा। पूजा पद्धति व प्रजा के विधि विधानों में मुस्लिम शासकों द्वारा व्यवधानों के चलते कैलापीठ देवता के नाल्या कटालियों अर्थात निज्वाला पुजारी औजी बेड़ा और वीर आदि ने देवता को क्षेत्र से गमन करने की प्रार्थना की। अंततः कैलापीर ने अपने 54 चेले और 52 बेड़े को चलने का आदेश दिया और अपने सभी नाल्या कटालियों के साथ गुरु कैलापीर का निशान कुमाऊं के चंपावत से चल पड़ा। कुमाऊं से चलकर देवता और उनका पूरा दल गढ़वाल मंडल में थाती कठुर बूढ़ा केदार क्षेत्र के जंद्रवाड़ा जगह पर पहुंचा, जहां से बूढ़ा केदार गांव साफ दिख रहा था। रात का समय था। गांववासियों ने जब भीड़ को देखा तो मुछाल लंपू और छिलकों की रोशनी से देवता का स्वागत किया, जिस कारण माना जाता है कि पहले बग्वाल मनाई जाती है। अगली सुबह देवता के आने की खुशी में पूरा गांव सजाया गया, जो कि मेला बलिराज का रूप बना। यह देख कैलापीर देवता और 54 चेले 52 बेड़े प्रसन्न हो गए। इस कारण गुरु कैलापीर यहीं बस गए और बूढ़ा केदार मंदिर में अपनी पिंडी स्थापित करवाई। इस मान्यता के अनुसार बूढ़ा केदार में मंगशीर बग्वाल 13वीं शताब्दी से मनाई जाती है। बूढ़ा केदार के पौराणिक मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पांडवों ने भगवान शिव के बूढ़े स्वरूप के दर्शन किए थे। बूढ़ा केदार क्षेत्र के लोग केदारनाथ नहीं जाते। यह ठीक वैसा ही है जैसा पटुड़ा नेगियों के संबंध में कहा जाता है। वहाँ भी बूढ़ा केदार मंदिर है, जिसका जिक्र हम इतिहास पर आधारित श्रृंखला में धारकोट के इतिहास में कर चुके हैं। पौराणिक मान्यताओं में गुरु कैलापीर को भगवान शिव के त्रिशूल का एक नाम माना जाता है। बूढ़ा केदार की मंगशीर बग्वाल या बूढ़ी दिवाली से संबंधित दोनों मान्यताएं यहां पर सटीक बैठती है। आप किस मान्यता पर विश्वास करेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।